गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारे वेट लॉस जर्नी का 6th डे है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टाइम दिखाती हूँ। आज है 29 नवंबर, टाइम है 4:45 ट्यूसडे, इंडियन टाइम है ये। हमारे 7 डेज चैलेंज के 2 दिन और बचे हैं। इसके बाद जब मैं 7th डे आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे पानी, अपने ग्लास या मग से मेज़र करके आपको पानी लेना है। 500 ml वार्म वाटर, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा ज़्यादा बॉईल कर लिया है। मैं इसको यहाँ पर लिक्वॉर्म होने का वेट करूँगी, उसके बाद ही मैं इसको यहाँ पर पीने वाली हूँ। पानी पीने के बाद और फ्रेश होने के बाद सबसे पहले फिर मैंने यहाँ पर लिया मेरा डेली का जो मील है बिफोर वर्कआउट, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी ब्लैक कॉफ़ी है यहाँ पर, और इसी के साथ मैंने आज यहाँ पर लिया है मखाना यानी कि फॉक्स नट। उसके बाद हम जाएंगे अपने वर्कआउट पे। डेली का जो हमारा यहाँ पर वर्कआउट रूटीन है, वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। बहुत जल्दी मैं इसकी एक वीडियो बना रही हूँ, मेरे चैनल पर बहुत जल्दी आपको एक वीडियो मिलने वाली है मेरे वर्कआउट की, उसे आप ज़रूर देखिएगा। वर्कआउट के बाद मैंने यहाँ पर लिया अपना फैट कटर। इस फैट कटर का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वर्कआउट के बाद हम जो भी फैट कटर लेंगे, उसके अगले 1 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना है, तभी ये फैट कटर जो है उसका असर हमारी बॉडी पर होगा। 1 घंटे के बाद हम लेंगे यहाँ पर अपना डे का पहला जो हैवी मील है यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट। आज मैं ब्रेकफास्ट में ये जो रेसिपी ले रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाकर तैयार की है और बहुत ही टेस्टी है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये कोई सिंपल रोटी नहीं है, बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है ये रोटी। और आज मैं लेकर जा रही हूँ एक सुपर हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट, बहुत ही टेस्टी है, और ग्रीन चटनी के साथ मैं इसको लेकर जा रही हूँ लंच में। और लंच के बाद मैंने यहाँ पर किया अपना वर्कआउट, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। मैंने आपको पहले भी बताया है मैं लंच के बाद बैठती नहीं हूँ, लंच के बाद 30 मिनट तक कम से कम मैं यहाँ पर वॉक ज़रूर करती हूँ। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि लंच के बाद आपको वॉक ज़रूर करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट कर लीजिए, पर कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर इवनिंग में लिया जूस, ये बहुत ही अच्छा जूस है, बहुत ही टेस्टी जूस है, और मैं आपको बता देती हूँ ये सॉल्टी है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इस पूरी रेसिपी का लिंक आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो भी रेसिपीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, पूरे दिन की जो भी डाइट है, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी जूस है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप इसको बनाकर अपने घर पर देखिएगा, इसको पीजिए और फिर आप बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इवनिंग में मैंने यहाँ पर ये जूस ले लिया, और उसके बाद डिनर में मैंने अपना वही, डिनर में बहुत लाइट करती हूँ या फिर स्किप भी कर देती हूँ कभी कभी, डिनर में मैंने यहाँ पर लिया सूप। मैं मार्केट का सूप कभी भी नहीं पीती हूँ, खुद घर पर बनाती हूँ। इसके बाद रात को सोने से पहले मैंने यहाँ पर लिया गोल्डन मिल्क, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ हमारे 6th दिन का जो रूटीन है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और जल्द से जल्द अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमने यहाँ पर 7 दिन में 5 किलो तक वजन कम करने का चैलेंज लिया हुआ है। इसके लिए इससे पहले की सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आज हमारे वेट लॉस जर्नी का ये 6th दिन था और कल है इसका आखिरी दिन। कल मैं आपको यहाँ पर आखिरी वीडियो में ये भी दिखाऊंगी स्टार्टिंग में हमारा वेट कितना था और अब यहाँ पर 7 दिन के बाद कितना वेट लॉस हुआ है।